अपना 35 मॉडल। अभी मैं इसका मेन स्प्रिंग और सील चेंज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको स्टॉक से अलहदा कर दें। ये जी हो गई स्टॉक से अलहदा। अब इसकी ज़रा बड़ा वाली कैप उतार दें। इसके बाद आप सिंपल इसको ऐसे रख के एक हाथ से इसको प्रेस कर दें और दूसरे हाथ से इसके दोनों पिन निकाल दें। अब ये आपकी ट्रैगर किट बाहर निकल आई। कोशिश करें कि आप इस हिस्से को बिल्कुल ना छेड़ें, क्योंकि ये आपके गले पड़ सकता है। इसको यूं ही छोड़ दें। इसके बाद आपको सिंपल सा सीखा, आपका मेन स्प्रिंग बाहर आ गया और सील के लिए, सील निकालने के लिए आप लीवर को निकाल दें। ये जी लीवर निकल गया। बैरल निकालना थोड़ा इसका मुश्किल है। आप लीवर निकाल दें और इसका पिस्टन बाहर निकाल दें। इसको थोड़ा एहतियात से निकालें, क्योंकि ये सील फट सकती है। अब ये सील बाहर आ गई। अब इसको चेंज कर लें। ये जी मैंने नई सील ले ली। इसको आप निकाल लें। अब ये नई वाली सील, अगर आपको लगाने में मुश्किल हो तो इसको आप गर्म कर लें। अगर गर्म नहीं करेंगे तो ये हार्ड होती है और फट जाएगी। जेन्युइन सील गरम करनी पड़ेगी और जो देसी सील है सिंपल जो अभी मैंने लगाई है, आम वाली सील है, ये गरम करने के बगैर चल जाएगी। अभी मैं इसको दोबारा फिट करने जा रहा हूँ। आप इस सील को फिट करने के बाद इस पे कोई लुब्रिकेशन ग्रीस वगैरह लगा दें, हल्की हल्की सी, फ्रंट पे भी लगा दें। अभी इसको मैं दोबारा उसी तरह फिट करने जा रहा हूँ। इसको ऐसा से ले जाएं ताकि आपकी सील फट आ जाए। यहाँ पे सील कभी कभी इसके एंड में फंसती है, तो आप इसको ऐसा से दबा के अंदर ले जाएं ताकि आपकी सील कटने से बच जाए। अब वही सेम तरीका, लीवर लगा दें। इसका मेन स्प्रिंग चेक कर लें। इसको दोबारा उसी तरह इसमें लगा दें और ये जो ट्रैगर किट है इसको आप इस तरह रख दें। सिंपल सा तरीका, आपको कोई मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से इसको दबा दें हाथ से।
डाल दिया, ये दूसरा पिन भी डाल दिया। अब इसका ये कैप लगा दी और इसको अब फिर वैसा का वैसा स्टार्ट में फिट कर दिया।